ग्वालियर जिले में शातिर चौर गिरोह के दो सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि इन बदमाशों ने 21 और 22 नवंबर की दरमियानी रात बहोड़पुर थाना क्षेत्र के किशनबाग कॉलोनी में जनरेटर और डीजे समेत अन्य सामान चोरी किया था, जिसको लेकर पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर की दरगाह के पास बैठकर डीजे का सामान और जनरेटर बेचने की फिराक में दो लोग बैठे हुए हैं। ये सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर जाकर उन बदमाशों की घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों को नाम सनी हुसैन और गिराज बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए दोनों बदमाश के खिलाफ चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं के रिकॉर्ड दर्ज है। वहीं CSP शुभा श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में कुछ और घटनाओं का खुलासा हो सकता है। ये 21-22 अक्टूबर को एक चोरी हुई थी किशनबाग कॉलोनी में, गोदाम से डीजे और जनरेटर चोरी हुए थे, तो उस संबंध में FIR पंजीबद्ध की गई थी। CCTV फुटेज वगैरह आसपास संदेहों से पूछताछ की गई, तो दो व्यक्ति इसमें चिन्हित हुए थे जिन्हें कल बहोड़ापुर पुलिस ने पकड़ लिया है मुखबिर की सूचना के आधार पर। क्या बैकग्राउंड है इनके, कैसे क्या चोरी करते थे? ये दोनों ग्वालियर के ही रहने वाले हैं, लगभग 24-25 साल की उम्र है इनकी, और इस तरीके के जो घर वगैरह से गोदाम से इन्होंने चोरी की है इससे पहले भी, तो पूर्व में इनकी रिकॉर्ड वगैरह भी हैं वो दिखवा रहे हैं और साथ में अन्य अपराधों में भी इनसे पूछताछ कर रहे हैं। और कोई खुलासा हो सकता है इनसे कोई? बिल्कुल हो सकता है, अभी पूछताछ कर रहे हैं, तो पूछताछ में कुछ पॉजिटिव और अगर चोरियाँ खुलती हैं तो फिर उसका भी खुलासा करेंगे। और कोई भी साथी है या ये दो ही मिलकर करते थे? ये दो लोग ही मिलकर करते थे। अभी इसके अलावा और साथियों के बारे में पूछताछ ही, और अन्य कोई गैंग हो तो उसके बारे में भी पूछताछ।